वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेट्स इन आवर टुडे स्पेसिफिक वेबिनार ऑन एफसीआई साइलो वेयरहाउस स्टैंडर्ड्स। इट इज द सेकंड सीरीज ऑफ आवर वेबिनार ऑन द एफसीआई साइलो वेयरहाउस स्टैंडर्ड स्पेसिफिक टॉपिक्स। इन द प्रीवियस वेबिनार वी हैव आल्सो शेयर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एफसीआई हेलो मुस्कान, आर यू ऑडिबल? यस सर। ओके ओके, दैट्स गुड। प्लीज इंश्योर कि बाकी सभी पार्टिसिपेट्स हैं अपना जो स्पीकर अनम्यूट रखें ताकि एक फेयर और बेटर क्वालिटी के साथ हम आपको वेबिनार सर्व कर पाएंगे। मीनवाइल आप अपना वीडियोस और स्पीकर अनम्यूट रखें ताकि हमारे होस्ट जो हैं और जो टेक्निकल स्पीकर से आपको अच्छे से सर्व कर पाएंगे। तो जस्ट आई एम शेयरिंग अबाउट द प्रीवियस वेबिनार्स, उसमें हमने काफी अच्छे से एफसीआई साइलो टेंडर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे काफी डिटेल्स में शेयर किया था, लेकिन उसके बाद भी काफी इन्वेस्टर का ये रिक्वायरमेंट्स आ रहा था कि सर हमें थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज के बारे में भी शेयर कीजिए। और रिसेंटली अभी 29 मई को हमने दिल्ली में एफसीआई का जो प्री बिड कॉन्फ्रेंस हुआ उसको भी ज्वाइन किया, तो काफी अच्छे टेक्निकल इनपुट के साथ जो आज का जो वेबिनार है हम आपको इसमें सर्व करेंगे ताकि आपका जो डिसीजन है वो और भी स्ट्रेंथनिंग हो पाए और आप एक रीजनेबल और एक रैशनेबल डिसीजन लेके इस प्रोजेक्ट में एंटर कर पाए। तो थोड़ा सा कुछ नए पार्टिसिपेट्स भी हमारे साथ यहाँ जुड़े होंगे, मैं ब्रीफ में केआईपी के बारे में बताना चाहूंगा कि वी एट केआईपी वर्किंग एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट सिंस 2008 ऑनवर्ड। वी आर वर्क particularly for the MSME units, warehousing and logistics sectors units, and the agri-infra projects. We help our prospective investor or customer in taking the right investment decisions with the appropriate business modeling, so that our client can avail maximum subsidy benefits and other eligible financial incentives and reduce their cost and maximize their profits. तो इस ऑब्जेक्ट के साथ केआईपी 2008 से वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक सेक्टर पे काम कर रही है। हम पूरे हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात आदि स्टेट को लेकर टोटल 17 स्टेट में वेयर हाउसिंग सेगमेंट पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, पर्टिकुलरली फॉर द टेंडर फाइलिंग्स एंड द सब्सिडी सब्जेक्ट फॉर द वेयर हाउसिंग सेक्टर्स। तो इन केस इफ यू आर डूइंग एनी वेयर हाउस बिजनेस एक्टिविटीज and want to avail the business subsidy consultancy services, you can connect with us. So let's start. I will share with us some topic coverage jo hum aaj ke webinar mein aapke sath share karenge ki kin kin topics pe hum aapse baat karenge. Ek brief mein aapko tender ke bare mein batayenge jo abhi tenders hamara FCI ne jo invite kiya hua hai uske bare mein share karenge. Iske sath jo tender filing karne ke liye jo basic financial eligibilities hai ya viability jo aapke end pe chahiye उसके बारे में हम आपको शेयर करेंगे। कौन इसमें अप्लाई कर सकता, हु कैन अप्लाई, आइदर एन इंडिविजुअल्स और ए कंपनी एंटिटी और ए कंसोर्टियम मॉडल्स, उस पर डिटेल्स में हमारे टेक्निकल स्पीकर आपको समझाएंगे ताकि आप जो है अपनी अप्लाई करने की जो कंडीशंस है उसको फुलफिल कर पाए। एसपीवी मॉडलिंग के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि जो स्पेशल पर्पज व्हीकल्स होता है कि प्रोजेक्ट, क्योंकि ये जो पूरा प्रोजेक्ट एक बेस टेंडर फाइलिंग से, तो उसके बारे में भी आपको डिटेल्स में शेयर किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स, यानी जो प्रोजेक्ट के लिए जो लैंड रिक्वायरमेंट्स है उसके ऊपर भी हम आपको शेयर करेंगे कि क्या टाइमलाइंस होगी, कितने टाइमलाइंस में आपको उन सभी साइट्स का आइडेंटिफिकेशन कर लेना है, तो उसके बारे में हम अपने वेबिनार के जो नेक्स्ट पार्ट में आपको शेयर करेंगे। कितनी लैंड आपको रिक्वायर्ड रहेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है पूरे टेंडर्स में लैंड रिक्वायरमेंट्स, उसके बारे में हम आपको शेयर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रेवेन्यू मॉडल है कि कैसे आपको जो आप टेक्निकली और फाइनेंशियली तो एलिजिबल हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल बिड आपको करना है तो हर एक इन्वेस्टर का माइंडसेट ये रहता है कि सर कितने समय में हमारा पे बैक आ जाएगा, हमें इस प्रोजेक्ट पे आरओआई क्या मिलेगा, क्या कॉस्ट रहेगी, कैसे कैसे हमें फिक्स स्टोरेज जो रेंट मिलने वाला है या वेरिएबल कैसे मिलने वाला है। डिटेल्स में
रेवेन्यू मॉडल्स को हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग इस पे बनेगी। इसके साथ साथ केआईपी आपको कैसे असिस्ट करेगी उन टॉपिक्स पे भी हम आपके साथ शेयरिंग करेंगे, और लास्ट में आफ्टर टेक्निकल सेशंस एक क्वेश्चन आंसर सेशंस भी हम आपसे लेंगे, जिसमें अगर आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्वेश्चंस डिस्कस करना चाह रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 1 घंटे तक का ये हमारा वेबिनार का कार्यक्रम रहेगा। तो लास्ट के 20 मिनट्स का जो सेशंस है वो हम आपके साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस के रूप में, तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चंस है आप प्लीज पहले ही उसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आफ्टर सेशंस जो है टेक्निकल सेशन के बाद आपसे वो 1-to-1 डिस्कशंस भी हो। तो थोड़ा सा मैं आपको टेंडर्स के बारे में बता दूं कि अगर कोई नए लोग नए पार्टिसिपेट हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, तो एफसीआई ने पूरे अपने देश में 8 स्टेट पे जो है 66 लोकेशंस पे 18 प्रोजेक्ट कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, उनके लिए जो है साइलो टेंडर इनवाइट किए हुए हैं। ये हब एंड स्पोक मॉडल के टेंडरिंग्स हैं, यानी एक ग्रुप्स बनेगा, इसमें एक प्रोजेक्ट लोकेशंस बनेगी जिसमें 3 या 4 या 5 तक की मैक्सिमम लोकेशंस होंगी। उसमें दोनों प्रकार के ये मॉडल्स हैं, हब मॉडल भी है और स्पोक मॉडल्स भी हैं। हब और जो स्पोक मॉडल हैं दोनों को इकट्ठा करके एक प्रोजेक्ट कॉन्स्टिट्यूट करके ऐसे 18 प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में अभी रिसेंटली लॉन्च है 8 स्टेट में, वो जो 66 लोकेशंस को कवर करेंगे। 21 जून 2023 इसका लास्ट डेट है टेंडर फाइलिंग करने का, और जो ये टेंडर का जो मॉडल रहेगा ये अंडर डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ओन मॉडल है, यानी DBFOO, यानी आपको ही बीइंग एन इन्वेस्टर यानी बिडर्स को ही डिजाइन उसको बिल्ड करना, उसका जितना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको ऑपरेट करना, और वही ओनर रहेंगे। एफसीआई के साथ वो एक एग्रीमेंट होगा 32 ईयर्स के अप्रोक्सीमेट, तो आपको ये DBFOO मॉडल के बेस पे ये जो टेंडर फाइलिंग्स करना है। अब हमारी जो टेक्निकल टीम से थोड़ा सा मैं ओरिएंट कर देता हूँ कि आज का जो हम सेशंस लेंगे पर्टिकुलर एक एग्जांपल बेस लेंगे, और हमारे साथ हमारे कंपनी के ऑनरेबल डायरेक्टर श्री राजेश मेहता जी जुड़े हुए हैं, और हमारी कंपनी के टेक्निकल हेड CA विकास कपूर जी जुड़े हुए हैं। दोनों ही साइलो टेंडर से रिलेटेड जो टेक्निकल आस्पेक्ट्स हैं बड़े ही एक्सपर्ट्स हैं, आपको बड़े अच्छे डिटेल्स में वो जानकारी शेयर करेंगे, और प्रैक्टिकली आपको समझाने के लिए हमने यहाँ एक पर्टिकुलरली एग्जांपल्स लिया है ताकि आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली क्या क्या पैरामीटर उसमें कवर करेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, आई वेलकम टू आवर ऑनरेबल डायरेक्टर श्री राजेश मेहता जी, कि प्लीज़ आप अपना जो है स्क्रीन शेयर करें और अपना जो पर्टिकुलरली टेंडर से रिलेटेड जो है टेक्निकल शेयरिंग्स की थी। राजेश जी क्या सर आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, थैंक यू जितेंद्र, एंड वेलकम टू आपका KIP के इस वेबिनार में आप सबका स्वागत है, नमस्कार। तो हमारे साथ हमारे ऑपरेशनल मैनेजर CA विकास कपूर भी हैं लाइन पे, तो आज हम इस टेंडर के कुछ टेक्निकल पहलुओं पर बात करेंगे, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। विकास एक बार स्क्रीन शेयर किया अभी आपके सामने, तो देखिए पहला जो पार्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो इस टेंडर के ऊपर का साइलो टेंडर पे इम्पॉर्टेंट है जो आपके लिए समझना, वो ये है कि वायबिलिटी कब बनेगी फाइनेंशियल इस चीज की, इस टेंडर की एलिजिबिलिटी टू फाइल टेंडर की बेसिक कोर कंडीशन क्या है। कोर कंडीशन है कि आपका इस प्रोजेक्ट का जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जितने भी टेंडर निकले हुए हैं उसमें FCI ने सभी लोकेशंस का एक टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट शेयर किया है। यहाँ हमने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है एक लोकेशन का, ये जो लोकेशन का एग्जांपल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये एक लोकेशन है यमुनानगर की। यमुनानगर की लोकेशन के अंतर्गत 6 प्रोजेक्ट कवर है, देखिए 6 प्रोजेक्ट नंबर 6 है ये, इसके अंतर्गत कुछ साइट्स कवर हैं, जो साइट्स कवर हैं उनकी टोटल एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है 147.16 करोड़। दिस इज एन एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 6। इस प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% आपको नेटवर्थ चाहिए। दिस इज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू सबमिट दिस टेंडर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% यू विल रिक्वायर एन नेटवर्थ
in order to become an eligible to submit this tender. Here on your screen sheet, 147.16 crore is the estimated project cost. Now the 25% of this comes to 36.79 crore. This is a net worth required in order to become eligible to submit this tender. Now let's go ahead to understand what is the meaning of the net worth. What exactly it means that how it will be calculated in case you have a company, you want to submit a tender by a company, or do you want to have a submit tender by individual name? आप अपने इंडिविजुअल नेम से फाइल करना चाहते हैं या कंपनी में फाइल करना चाहते हैं, दोनों के केस में ये नेटवर्थ की कैलकुलेशंस कैसे होगी और ये आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनेगा। तो पहले जो एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अगर आप एक कंपनी के नाम से टेंडर फाइल करना चाहते हैं, अगर आप कंपनी के नाम से टेंडर फाइल करना चाहते हैं तो कंपनी की सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स जो आपके कंपनी के बुक्स के अंतर्गत रिजर्व्स होते हैं उसमें से दो चीजें माइनस होंगी, रिवॉल्यूशन रिजर्व माइनस होंगे, मिसेलियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ माइनस होगा और रिजर्व नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी शेयरहोल्डर्स माइनस होगा। देखिए ये जो टेक्निकल क्राइटेरिया दिया हुआ है इसको थोड़ा इजी और लेमैन लैंग्वेज में समझिएगा आप कि कोई भी कंपनी का जो असेट्स हैं जो आपकी बुक्स में आ रही हैं वो बुक वैल्यू पे होती हैं। आप ऐसे एग्जांपल से समझिए कि एक कंपनी है, उस कंपनी ने एक लैंड परचेज की थी और आज से 20 साल पहले लैंड परचेज की थी, उस लैंड की जो बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू है जो आपके बुक्स में आ रही होगी, बुक वैल्यू उस लैंड की अगर 1 करोड़ है और आज उसके मार्केट वैल्यू से 30 करोड़ है, तो अभी जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि उसकी बुक वैल्यू कंपनी में कंसिडर होगी, मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं होगी जब आप नेटवर्थ के कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए आपकी एक कंपनी है, आपकी असेट्स की मार्केट वैल्यू 30 करोड़ है, जो लैंड आपकी बुक्स में दिखाई हुई है, परंतु उसकी बुक वैल्यू 1 करोड़ है। अगर आपको नेटवर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो जो नेटवर्थ सर्टिफिकेट सीए ने बनाना है जिसके बेसिस पे आपका टेंडर सबमिट होना है उसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जो सर्टिफिकेट बनेगा उसमें से रिवॉल्यूशन रिजर्व माइनस होंगे। रिवॉल्यूशन रिजर्व होता है अगर उस असेट की वैल्यू 1 करोड़ की, जिसकी मार्केट वैल्यू 30 करोड़ है, अगर आप बुक्स में आज वैल्यू करते हैं तो 29 करोड़ के रिवॉल्यूशन रिजर्व आएंगे, तो ये रिवॉल्यूशन रिजर्व कंसिडर नहीं होंगे। तो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि आपकी बुक्स के अकॉर्डिंगली आपकी पेड अप कैपिटल रिजर्व में से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर माइनस कर दीजिए, जो आपका बचता है वो आपकी नेटवर्थ के लिए एलिजिबल समझा जाएगा। मीनिंग देयर बाय कि कोई भी कंपनी है उसकी मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं होगी इन ऑर्डर टू बिकम एलिजिबल टू सबमिट दिस टेंडर। दिस इज द क्राइटेरिया टू बी नोटेड इन केस ऑफ द कंपनी। सेकेंड क्राइटेरिया आई विल कम टू द, इसमें अभी पॉइंट पे आएंगे जिसपे क्लैरिफिकेशन अवेटेड है। आप पॉइंट नंबर टू देखिए, फॉर अदर देन कंपनीज, अगर सिंपली अगर एक इंडिविजुअल है उसके केस में क्या होगा कि मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, उसने कोई प्लॉट ले रखा है 2 करोड़ का, वाइट में रजिस्ट्री है उसकी, कहीं 5 करोड़ की कोई लैंड है उसकी बुक्स में, कहीं कोई 10 करोड़ की उसकी कोई और इन्वेस्टमेंट्स है, माइनस उसकी कोई लाइबिलिटीज है, तो सिंपली सेड है कि जो बुक वैल्यू पे असेट्स है माइनस लाइबिलिटीज कर दीजिए, कैलकुलेटेड एज पर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मीनिंग डायरेक्टली इज देयर कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली अदर देन कंपनीज में हम सबको इंक्लूड कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी इंक्लूड होगा, एक पार्टनरशिप फर्म भी इंक्लूड होगी, एक कंपनी को छोड़ के जो भी एंटिटी है जिसके नाम से आप ये टेंडर फाइल करना चाहते हैं वो सभी लोग शामिल होंगे। मेथड निकलेगा नेटवर्क का असेट्स माइनस लाइबिलिटीज कैलकुलेटेड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, नेटवर्क शुड बी ड्यूली सेंड बाय द सीए। अभी रिसेंटली एफसीआई का प्री बिड कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां ये क्वेश्चन पूछा गया, काफी हमारे यहाँ से भी जो क्लाइंटेल थे और हमारी टीम ने भी रिजर्व किया कि अगर आपका टेंडर डॉक्यूमेंट है, आपका आरएफपी है, इस पे ये चीज साइलेंट है कि इसमें मार्केट वैल्यू कंसिडर होगी कि नहीं होगी, क्वेश्चन वाज रेज्ड एंड द आंसर वर्बली देयर वाज गिवन दैट कि इंडिविजुअल केसेस में हम मार्केट वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, बट दिस आंसर हैज बीन वर्बली गिवन बाय द प्री बिड कॉन्फ्रेंस, बट इस पे 5 तारीख को एक्सपेक्टेड है एक रिटर्न क्लैरिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि क्या इंडिविजुअल के केस में मार्केट वैल्यू एड अपॉन होगी क्या नहीं होगी। तो
अगर मार्केट वैल्यू का रिटर्न क्लैरिफिकेशन आता है तो हमारी टीम तभी आपको एडवाइस करेगी कि आप मार्केट वैल्यू को बेसिस बनाएं। जब तक एक रिटर्न क्लैरिफिकेशन नहीं आता, प्री बिड कॉन्फ्रेंस के रिटर्न रिप्लाई आर एक्सपेक्टेड ऑन द 5th, तो यू शुड कीप इन टच विद आवर टीम टू टेक एन अपडेट कि क्या मार्केट वैल्यू अपडेट होगी। अगर इसका कोई रिटर्न क्लैरिफिकेशन आता है इंडिविजुअल के केस के अंदर, देन विल एडवाइज टू यू टू टेक एन डिसीजन अकॉर्डिंगली। राइट नाउ आज जो रिटर्न क्लैरिफिकेशन है इसके बेसिस पे मार्केट वैल्यू ऐड नहीं होगी। तो नेटवर्थ का क्राइटेरिया आपने समझा कि नेटवर्थ कैलकुलेशन कैसे होंगी, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25%। अब इसको थोड़ा सा और एग्जांपल लेके कंसिडरेबल पार्ट के ऊपर गत आते हैं कि विकास एक नेक्स्ट शीट पे आए जहाँ इंडिविजुअल एंटिटी और कंसोर्टियम दिखाया हुआ है। देखिए पहले आप मतलब समझिए कि अप्लाई कौन कर सकता है। अभी हम बात कर रहे थे कि हम इंडिविजुअल अप्लाई करने की बात कर रहे थे, कंपनी की हम बात कर रहे थे। एक और नई चीज आती है यहाँ एप्लीकेशन के लिए, वो आता है कंसोर्टियम। क्या होता है कि ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट। कंसोर्टियम मीन्स दैट ग्रुप ऑफ पीपल्स जो कि इकट्ठे बिड कर रहे हैं। कि एक व्यक्ति की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट नहीं हो रहा तो तीन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, तीन लोग मिलके उस टेंडर पे अप्लाई कर रहे हैं ए बी सी, और तीनों मिलके नेटवर्क के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो देन इट बिकम्स एन कंसोर्शियम। कंसोर्शियम मीन्स एन अ ग्रुप ऑफ द पीपल हु आर एग्रीड टू अप्लाई फॉर ए टेंडर ज्वाइंटली। तो दिस टेंडर कैन बी अप्लाइड बाय द कंसोर्शियम आल्सो। उसमें आपको एक ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट एफसीआई का जो टेंडर डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है कि ए बी सी तीन लोग हैं वो मिलके इस टेंडर को अप्लाई करेंगे, उसके लिए नेटवर्क कैसे कैलकुलेट होगी उस बात को समझिए। ये जो एग्जांपल है इस एग्जांपल को ध्यान से देखें स्क्रीन पे, कि अगर एक इंडिविजुअल एंटिटी ए है, ए ने इस यमुनानगर का एग्जाम्पल दिया गया है, 147 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो अप्लाई करना है, तो उसको ए को इंडिविजुअल एंटिटी को 37 करोड़ मतलब 25% अगर उसका नेटवर्थ है, यस वो इलिजिबल है तो अप्लाई करने के लिए। नीचे एग्जाम्पल दिया गया कि कंसोर्शियम बनाया हमने एक्स वाई जेड और ए का। समझिए कि ए व्यक्ति अप्लाई नहीं करता, वो इलिजिबल नहीं है, तो उसने एक्स वाई जेड तीन लोगों के साथ मिलके एक कंसोर्शियम बनाया चार लोगों का एक्स वाई जेड ए। अब ये चार लोग मिलके इस टेंडर को अप्लाई करना चाहते हैं यमुनानगर के टेंडर को, और इन चार लोगों में कंडीशन क्या कहती है आरएफपी की, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की, कि वो लोग जिनका इस कंसोर्शियम में 26% कम से कम 26% इन्वेस्टमेंट होगा, 26% ओनरशिप होगी, उन लोगों की नेटवर्क कंसिडर होगी फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी कैलकुलेशंस। देखिए ये जो एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है इसमें एक्स वाई जेड ए जो कंसोर्शियम का मेंबर है उसका पहला पर्सन है, उसका स्टेक इसमें 26% है, उसकी नेटवर्थ हमने ली 5 करोड़, यस कंसिडर की हो गई एलिजिबिलिटी की कैलकुलेशन में। अगला मेंबर है उसका शेयरिंग में हिस्सा है 20%, इसकी नेटवर्थ है 10 करोड़ रुपए, ये कंसिडर नहीं होगी फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द टोटल नेटवर्थ फॉर टेंडर पर्पज। अगला मेंबर है उसका देखिए शेयरिंग में हिस्सा है 28%, 26% से ज्यादा है, इसकी नेटवर्थ कंसिडर होगी। उससे अगला मेंबर है उसका शेयरिंग में हिस्सा है 26%, इसकी नेटवर्थ कंसिडर होगी। तो अगर हम देखेंगे इन चार लोगों का क्राइटेरिया देखेंगे तो 5 करोड़ में 10 करोड़ वाला नहीं जुड़ेगा, 5 में 15 जुड़ेगा, 20। और अगर हम इस चीज को और फर्दर इसी एग्रीमेंट को हम कंबाइन करके देखेंगे कि अब हमने 5 करोड़ 26% का हिस्सा है वो ऐड हो गया, 20% वाला 10 करोड़ है ये ऐड नहीं हुआ, 28% वाला 15 करोड़ ऐड हो गया, 15 करोड़, 26% वाला 13 करोड़ ऐड हो गया, कितना हो गया 28 करोड़। अब तीनों की मिला के भी टोटल नेटवर्थ अगर 37 करोड़ से नीचे है तो वो इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस बात को समझिएगा, देखिएगा अगर 26% 20% 28% और 26% को अगर हम जोड़ेंगे इन चारों लोगों को, तो अगर हम ये देखेंगे कि टोटल हमारी टर्नओवर है एक्सीड कर रही है 43 करोड़ हो रही है, एलिजिबिलिटी बन रही है, पर ये एलिजिबिलिटी जो कि हिस्सा 26% से नीचे है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। एलिजिबिलिटी में सिर्फ 26.5 करोड़, 28.15 करोड़ और 26.13 करोड़ इन तीन लोगों की टोटल ऐड होगी जो कि 37 करोड़ के क्राइटेरिया है उसके लिए मीट आउट नहीं हो रही। तो ये आपको समझना है कि अगर किसी भी पर्सन की आप नेटवर्थ कंसिडर करना चाह रहे हैं तो उसका कम से कम शेयर 26% होगा, एक पॉइंट। दूसरा इसके अंतर्गत कंसोर्शियम का जहां तक बात रहती है इसके अंतर्गत
मैक्सिमम 5 लोग हो सकते हैं जो कि आरएफपी डॉक्यूमेंट कहता है। देखिए 5 लोग टोटल हो सकते हैं संख्या में, और 3 लोग ऐसे होंगे जिनका हिस्सा 26% से ज्यादा होगा, तो इवेंचुअली 3 लोग 26-26% के भी अगर आपने डाले तो 78% तो उन लोगों का हो गया, और 22% को आप मैक्सिमम 2 लोगों में बांट सकते हो। किसी भी तरीके से बांटो, परंतु उन लोगों का नेटवर्थ है टोटल एलिजिबल नेटवर्थ के लिए शामिल नहीं होगा, तो ये आपने ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट स्क्रीन विकास, तो आगे समझते हैं कि अभी हमने समझा कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंतर्गत क्या ऐड होगा क्या नहीं ऐड होगा। अब ये समझिए कि एक एसपीवी कैसे बनता है। एसपीवी होता क्या है? एसपीवी से बनता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, कि जब आप कंसोर्शियम में जाएंगे तो आज की डेट में आपको एक नई एंटिटी नहीं बनानी, कि आपको 3 लोगों को मिलकर नई पार्टनरशिप हम आज की डेट में टेंडर सबमिट के लिए नहीं बनानी, आपको कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आज की डेट में नहीं बनानी। आज की डेट में सिर्फ आपका एक ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट बनेगा, जो कि डॉक्यूमेंट बनेगा जिसके अंतर्गत जो जो ज्वाइंट बिडर्स होंगे कंसोर्शियम के उनके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखे होंगे, और वो ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट बनेगा उसके लिए बेसिस पे ये टेंडर डॉक्यूमेंट सबमिट होगा। कि अगर आपका टेंडर निकल जाता है, जिस दिन आपका टेंडर निकलेगा उस दिन एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेगी, जिसके अंतर्गत जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका रेशो वही होगा जो कि ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट का होगा। कि आपने ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट में आप 5 लोगों ने जिस रेशो में 26% 30% एक्स वाई जेड जिस भी रेशो में आपने ज्वाइंट बिडिंग एग्रीमेंट बनाया वो एफसीआई के पास आपके टेंडर डॉक्यूमेंट में शामिल है, आपका टेंडर निकल गया तो कल जो नई कंपनी बनेगी स्पेशल पर्पस व्हीकल बनेगा उसके अंतर्गत रेशोज वही होंगी जो ज्वाइंट बिडिंग। ये आपने बात को ध्यान में रखना है तो कंसिडर करना है। तो ये जो प्रोजेक्ट 6 है इसके अंतर्गत 4 लोकेशन है, मुस्तफाबाद, चिसोली, फिजाराबाद, जगाधरी, ये चारों के चारों इस स्पेशल पर्पज व्हीकल का कंसिडर पार्ट समझी जाएंगी जो भी अगर प्रोजेक्ट निकलेगा, और इन चारों लोकेशन पे आपको इकट्ठा टेंडर अप्लाई करना है और इनका जो रेट कोट करना है वो एक ही होगा, सिंगल रेट कोट होगा। रेट की कोटिंग प्रोजेक्ट वाइज है कि प्रोजेक्ट नंबर 6 यमुनानगर का है तो इन चारों लोकेशन के लिए आपको एक रेट कोट करना है, जिसपे अभी हमारे ऑपरेशन हेड है वो डिटेल में बताएंगे। तो अभी अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स कैसी होंगी। कि अगर आपका टेंडर निकल जाता है उस केस के अंतर्गत आपको जो साइट का एलोकेशन है क्या आपको लैंड आज की डेट में आपके पास होनी चाहिए जिन जिन लोकेशन पे आप टेंडर अप्लाई करना चाहते हैं? नहीं, आपको लैंड 270 दिन का टाइम मिलेगा। आज आपको रेट कोट करना है कि अगर आप गोडाउन बनाएंगे तो टोटल रेट आप क्या चार्ज करेंगे एज एन रेंट एफसीआई से। तो ये जो टोटल रेट कोट करना है आपने, इस रेट कोट आज की डेट में डिटरमाइन होगा। टेंडर निकल गया कि 270 दिनों के अंतर्गत आपको लैंड परचेज करनी होगी 80% ऑफ द साइट्स। मान लीजिए आपकी टोटल नंबर ऑफ साइट्स 4 साइट्स हैं, तो मतलब काफी लैंड आप एटलीस्ट 3 लैंड आपको परचेज करनी होगी। या एक ऑप्शन और भी आपके पास कि आप लैंड को पट्टे पे ले सकते हैं लॉन्गर पीरियड 35 इयर्स के लिए। पटानामा भी एक ऑप्शन है, लीज डीड भी एक ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो, मतलब आपको इसका डिसीजन जो लीज पे लेनी है या आपको बाय करनी है, इस ये सारा डिसीजन आपको टेंडर निकल गया तो उसके बाद लेना होगा। आपका टेंडर अवार्ड हो गया उसके बाद लेना होगा। टेंडर के अंदर का ये जो टाइमलाइन दी हुई है 270 दिन की, ये सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशंस हैं कि वो 30 दिन के लिए एक्सटेंड हो सकती है, और मतलब उसके लिए आपको जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, पर 80% आपको इन गाइडलाइंस को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप इससे थोड़ा सा नेक्स्ट देखें कि क्या लैंड की रिक्वायरमेंट होगी दो तरह की। विकास नेक्स्ट स्क्रीन प्लीज, और नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रहे हैं जहाँ लैंड रिक्वायरमेंट शेयर की हुई है कि जहाँ जहाँ जिन जिन कैपेसिटीज दी हुई हैं, जैसे हमने यमुनानगर की बात की लोकेशंस की, तो वहाँ जो कैपेसिटीज हैं उनके लिए किसके लिए कितनी लैंड चाहिए होगी, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो समझिए दो टाइप के साइलोज होते हैं इसके अंदर, एक स्पोक मॉडल होता है और एक हब साइलो होता है। हब साइलो का मतलब वह है कि वो जहाँ रेलवे साइडर है वहाँ पर लैंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जहाँ कंटेनर डिपो बनता है वहाँ रेल साइडिंग्स हैं। तो देखिए अगर 25,000 एमटी का अगर साइलो बन रहा है तो जहाँ पर हब लोकेशंस हैं वहाँ पर 15 एकड़ लैंड की रिक्वायरमेंट है। अगर 25,000 एमटी का
जो आपके प्रोजेक्ट में एक साइलो आपने बनाना है, पर वो स्मोक साइलो है, वहां पर 4 एकड़ की रिक्वायरमेंट है। तो ये पूरा आपको टेबल दी हुई है, दोनों में हर जगह आपको 11 एकड़ का डिफरेंस नजर आएगा। तो ये 11 एकड़ का डिफरेंस आपको हब के लिए है कि जहाँ आपने रेलवे साइडिंग्स बनानी है वहां पर आपको लैंड की ज्यादा जरूरत होगी, वहां टाइम भी कंपैरेटिवली ज्यादा लगेगा। तो ये जो क्राइटेरिया है आपको ये देखना है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन से कितने आपके हब हैं, कितने स्पोक हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके लैंड की रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशंस निकल आएगी। जिस भी प्रोजेक्ट में आप इंटरेस्टेड होंगे तो ये रिक्वायरमेंट वहां पर आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, देखिए थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालेंगे कि लास्ट टाइम की स्टोरी क्या रही थी कि जो साइलोस थे अभी रिसेंटली 2022 में जब ये टेंडर अप्लाई हुए थे तो उस टाइम क्या स्टोरी रही, किन किन एप्लीकेंट्स ने ये टेंडर सबमिट किए थे और उन्होंने क्या क्या रेट सबमिट किए थे और किस रेट के ऊपर का ये टेंडर किसको अवार्ड हुआ। तो देखिए ये लास्ट टाइम और इस बार में फर्क क्या है, पहले आप कंसेप्चुअल समझिएगा। लास्ट टाइम जो टेंडर निकला था साइलो का, उस टेंडर डॉक्यूमेंट के अंतर्गत एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट इकट्ठे क्लब थे कि देखिए 20-20 और 25-25 लोकेशंस का एक प्रोजेक्ट था। पिछली बार केवल 3 प्रोजेक्ट थे, इस बार इन्होंने प्रोजेक्टों की संख्या बढ़ाई है और एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत कम लोकेशन शामिल की हैं, जिससे कि प्रोजेक्टेड कॉस्ट है वो कम हो गई है। पिछली बार जो टेंडर एलोकेट हुआ था ये अडानी एग्री लॉजिस्टिक्स को हुआ था, ये L1 टेंडर था, 3,500 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिला था। पर इस बार जो प्रोजेक्ट साइज है वो कम हो गया है, जिससे कि MSME कस्टमर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, छोटे लोग भी इस बिजनेस में आएंगे, क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट ओपन है वो तकरीबन 150-200 करोड़ के नीचे के सारे प्रोजेक्ट ओपन है, जिनसे कि ऐसे लोगों को कंसोर्शियम के माध्यम से या इंडिविजुअल ग्रुपिंग के माध्यम से एक मौका मिलेगा। तो इस बात को समझिए कि इसमें जो FCI ने कॉस्ट दी गई है ये उनकी एक एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है। लास्ट टाइम के टेंडर डॉक्यूमेंट अगर हम देखेंगे कि अडानी ने 1199 रुपये पर MT रेट कोट किया था और लास्ट 1890 का रेट है। तो देखिए टेंडर में रेट में इतना डिफरेंस है, इसका मोटा सा मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति की कॉस्ट है अलग अलग है और प्रत्येक व्यक्ति की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का मेथड अलग अलग है। मान लीजिए आपकी 4 लोकेशंस पे लैंड पड़ी है, प्राइम लोकेशंस पे पड़ी है, तो वहां आपकी लैंड कॉस्ट सेव हो जाती है। आप अगर रियल एस्टेट में अच्छा काम करें, लैंड अच्छी रेट पे ले लेते हैं तो आपकी लैंड कॉस्ट कम आएंगी, तो आप उसकी टोटल कॉस्टिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। आप ऑलरेडी किसी कंस्ट्रक्शन लाइन के अंतर्गत हैं तो आपको किसी को कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्स करना नहीं पड़ेगा, आप खुद कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप अपनी कॉस्टिंग को खुद कम कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी वेयर हाउसिंग का एक्सपीरियंस है, साइलो में पहले काम कर रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो ये डिटरमाइन करने के लिए कि आपको आपकी कॉस्ट कितनी कोट करनी चाहिए, हमारी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट का टाइटल बनाया है, डेट इज एक प्रोडक्ट बनाया है फाइनेंशियल कैलकुलेशंस का, कि आपको फाइनेंशियल वायबिलिटी कब आएगी, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, आपकी IRR कब आएगी, आपकी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग। उसमें हमारी जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम है जितेंद्र जी आपको प्रॉपर डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप उसकी कस्टमाइज कैलकुलेशंस करा सकते हैं अपनी नीड्स के लिए और वर्कआउट करने के लिए कि आपको सर पर ईयर है सर, ये देखिए ये साल की कैलकुलेशंस है, आपको जब अभी डिटेल में विकास जी बताएंगे कि कैसे रेट की कैलकुलेशन होगी। आपको जो रेट कोट करना है, रेट कोट क्या होता है, फिक्स रेट क्या होता है और वेरिएबल रेट क्या होता है, इसको भी हम सेक्शन 2 में लेंगे। उसके बाद डिटेल आपकी क्यूरीज भी लेंगे कि आपको रेट कोटिंग कैसे करनी है और इनका फिक्स स्टोरेज का मतलब क्या है, वेरिएबल चार्जेस क्या है। अभी हमारे साथ हमारी टीम के ऑपरेशन हेड CA विकास कपूर हैं, वो आपको ये बताएंगे कि रेवेन्यू मॉडल क्या होगा और रेट की कैलकुलेशंस क्या होगी, वेरिएबल चार्जेस क्या होंगे, हैंडलिंग चार्जेस क्या होंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा इसके बाद एक और डिस्कशंस करेंगे कि इसकी मतलब जो कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है, कैसे इसमें सब्सिडी को लिया जा सकता है जिससे कि कॉस्टिंग कम हो सकती है कुछ पर्टिकुलर स्टेट में, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन के दौरान। तो अभी विकास यू प्लीज टेक विद इन अ रेवेन्यू मॉडल अबाउट द फिक्स्ड एंड वेरिएबल एंड द हैंडलिंग चार्जेस प्लीज। हेलो एवरीवन, रेवेन्यू मॉडल को FCI ने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला है फिक्स्ड स्टोरेज चार्जेस, सेकंड है वेरिएबल चार्जेस एंड थर्ड है हैंडलिंग चार्जेस। फिक्स्ड स्टोरेज चार्जेस जो सा है, आपको जो टेंडर में लोड की
टेंडर में रेट कोट किया वो फिक्स्ड स्टोरेज चार्जेज होगा। वेरिएबल स्टोरेज चार्जेज है जो एफसीआई ने डिसाइड कर रखे है 0.758 पर क्विंटल पर मंथ में। और तीसरा है हैंडलिंग चार्जेज। तो फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं फिक्स्ड स्टोरेज चार्जेज का। फिक्स्ड स्टोरेज चार्जेज में मानो कि आपने टेंडर में रेट कोट किया 100 रुपये पर एमटी, और ये एफसीआई ने जो सा है डिसाइड कर रखा है कि ये दो पार्ट में, एक तो आपका डिक्रीज होगा रेंट और एक होगा आपका इंक्रीज रेंट। डिक्रीज जो सा होगा वो आपका 2% एनुअली आपका डिक्रीज होगा। मान लो कि आपका फर्स्ट ईयर रेंट था 100 रुपये, तो अगले ईयर आपका रेंट हो जाएगा 98 और उससे अगले साल 96.04। और सेकंड जो सा पार्ट है कि एफसीआई ने ये डिसाइड किया कि डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बेसिस पे आपका रेंट इंक्रीज होगा। डब्ल्यूपीआई जो सा होता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसका 70% आपका रेंट इंक्रीज होगा। और जो सा सीपीआई होता है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका 30% आपका रेंट इंक्रीज होगा। तो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मानो कि आपका WPI है जो सा जन 2023 का गवर्नमेंट डिसाइड किया है 150.6, और जन 2022 का जो सा गवर्नमेंट का रेट था 142.90, इसमें जो सा आपका इंक्रीमेंट हुआ 5.3% का इंक्रीमेंट हुआ। और यही मानते हुए कि आगे भी यही इंक्रीमेंट रहेगा, उसके बेस पे हमने टेबल एक बनाई है आपके लिए जो से आपके स्क्रीन पे शो हो रही है कि WPI आपका जो सा पहले दो साल तो कंस्ट्रक्शन में रहेंगे आपके, नेक्स्ट ईयर जो सा बेस ईयर होगा जहाँ से आपका रेंट आना शुरू होगा वो WPI उस ईयर का है आपका 1.150.60, नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट के साथ ही 158.71 हो जाएगा, और ऐसे चलते चलते 10 साल तक 217.46 हो जाएगा। और ऐसे ही आपका CPI है जो सा वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसका ये आपका है जन 2023 का 132.80 और जनवरी 2022 का है जो सा 125.10। इसमें जो सा आपका अप्रोक्स इंक्रीमेंट है 6.15% है। और CPI इसी भी तरह ये भी इंक्रीज होता रहेगा कि पहले दो साल आपके कंस्ट्रक्शन में, बेस ईयर जहाँ से थर्ड ईयर हुआ आपका जहाँ से आपका रेंट आना शुरू हुआ वो है 132.80, और ये इंक्रीज होते हुए 10 साल तक 210.74 हो जाएगा। अब इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा रेंट कैसे कैलकुलेट होगा। हम एग्जांपल लेते हैं फिफ्थ ईयर का। फिफ्थ ईयर में जो सा हमारा बेस रेंट जो सा हमने 100 रुपये कोट किया था अपने टेंडर में, वो फिफ्थ ईयर में डिडक्शन होने के बाद हर साल 2%, जैसे पहले साल 98 फिर 96.04, वो फिफ्थ ईयर में 92.24 हो जाएगा आपका। और WPI जो सा आपका फिफ्थ ईयर का इंक्रीमेंट है वो अप्रोक्स आ जाएगा आपका 158.78, और बेस ईयर जहाँ से आपका रेंट स्टार्ट हुआ था वो है 150.60। ऐसे ही हमारा CPI इंक्रीज होगा, और ये कैलकुलेट होके हमारा जो सा इंक्रीमेंट हुआ है कि WPI का जैसे पहले था कि 70% इंक्रीज होगा और CPI का 30%, ये हमारा इंक्रीमेंट प्राइस आया 1.24। और जो सा हमारा 2% रिडक्शन होने के बाद प्राइस आया था बेस ईयर का 92.24 मल्टीप्लाई बाई 1.24, तो इस फिफ्थ ईयर में आपका रेंट 114.38 होगा। इसमें आपका रेंट जो सा है हर ईयर इंक्रीज होगा, और इसमें आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि जैसे थर्ड ईयर में हमारा बेस ईयर है उसमें रेंट हमारा 100, और नेक्स्ट ईयर में हमारा रेंट जो सा इंक्रीज होने के बाद 103.88 एंड नेक्स्ट ईयर में 107.56, और ऐसे ही इंक्रीज होता जा रहा है कि 10 साल तक 10वें ईयर में हमारा रेंट जो सा होगा 127.63 पर एमटी हो जाएगा। Yes, और नेक्स्ट है सर वेरिएबल स्टोरेज चार्जेज। वेरिएबल स्टोरेज चार्जेज जो सा FCI ने डिसाइड कर रखे 0.758 पर क्विंटल पर मंथ, और सेम इंक्रीमेंट इसमें WPI का आपका 70% और CPI का 30% इसमें इंक्रीज होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था फिफ्थ ईयर का फिक्स स्टोरेज चार्जेज में, वैसे हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं वेरिएबल स्टोरेज चार्जेज। इसमें जो सा हमारा एस्टिमेटेड रेंट 0.758 था इंक्रीमेंट होने के बाद फिफ्थ ईयर में,
0.94 पर क्विंटल पर मंथ हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर नीचे शो रहा होगा कि 10 साल की हमने टेबल बनाई है, इसमें पहले साल हमारा 0.758 है और ये इंक्रीज होने के बाद 10वें ईयर में 1.114 आपका रेंट हो जाएगा पर क्विंटल पर मंथ का। और हैंडलिंग स्टोरेज चार्जेज अलग अलग है, आपके अलग अलग चार्जेज है और जो सा इसमें इंक्रीमेंट होगा आपका WPI का 80% का इंक्रीमेंट होगा। थैंक यू। तो अब आप अपनी क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू। हेलो, हाँ, थैंक यू विकास, आपने बड़े अच्छे से जो है हमारे साथ जो रेंट का आपने शेयर किया कि कैसे मुस्कान, आर यू ऑडिबल टू मी, देन परमिट टू शेयर माय स्क्रीन्स। हेलो, यस सर। हाँ, हैव यू परमिटेड टू मी शेयर माय स्क्रीन? यस सर। ओके, जस्ट ए मोमेंट्स। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हमारे साथ जो राजेश जी ने टेंडर से रिलेटेड काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, और उसके बाद विकास जी ने जो रेवेन्यू मॉडल है पूरा पूरा हमारे साथ शेयर किया कि कैसे फिक्स स्टोरेज चार्जेस की कैलकुलेशंस होती हैं, कि बहुत सारे इन्वेस्टर का ये माइंडसेट था कि सर 2% हर साल डिडक्शंस हो जाएगा तो ये बड़ा टफ हो जाएगा हमारे लिए मैनेज करना ब्रेक इवन पॉइंट्स वगैरह, लेकिन इसमें जो क्लोज है कि WPI का और CPI का जो इंक्रीमेंट इंडेक्स होगा उसका 70% और 30% प्रोपोर्शनेटली हमें ऐड करना होता है, तो वो ऐड करके विकास जी ने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया 100 रुपये से एक बेस लेके, तो आपका सब्सिक्वेंट ईयर में कैसे वो रेंट बढ़ता हुआ जाएगा अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी जो कैलकुलेशंस करेंगे उसको आप लाइनअप कीजिएगा ताकि आप सही फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इंश्योर कर पाएंगे। तो देखिए, हम KIP में आपके लिए यही सर्विसेज लेके आ रहे हैं कि अगर आपका टेंडर फाइलिंग्स का माइंडसेट है तो कंप्लीट टेंडर फाइलिंग और डॉक्यूमेंटेशन में हम आपको असिस्ट करेंगे, साथ में जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज का कि सर फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज कैसे लाइन अप करें। तो जैसे अभी विकास जी ने आपको बताया और राजेश जी ने जैसे आपको बताया कि प्रोजेक्ट के जो बेसिक फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं कि जो रेवेन्यू मॉडल शेयर किया है तो उनके बेसिस पे हम एक कंप्लीट फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज करके देते हैं, जिसमें आपके पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं उसको कंसिडर करते हैं, आपका जो बैंक लोन का प्रोविजंस है उसको कंसिडर करते हैं, और अगले 32 सालों का पूरा कंप्लीटेड प्रोजेक्टेड रेवेन्यू मॉडल्स आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको ये पता चलेगा कि पूरे टर्नओवर्स में जो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो क्या होगा, प्रोजेक्ट का IRR क्या आएगा, क्या रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेगा और पूरा पे बैक पीरियड कैसे रहेगा। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड टू सबमिट द टेंडर बट बिफोर फाइलिंग द टेंडर यू वांट टू इंश्योर द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, देन यू कैन टेक आवर सर्विसेज ऑन द दिस पैरामीटर्स। तो यहाँ तक जो जितने भी लिसनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी को मैं थैंक्स देना चाहूंगा। हमारा टेक्निकल सेशन यहाँ कंप्लीट हो रहा है कि हमने जिसमें टेंडर के बारे में शेयर किया और रेवेन्यू मॉडल्स के बारे में शेयर किया। नाउ अब हमारा नेक्स्ट जो 20 मिनट्स का है क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है, तो इन केस अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे साथ टीम के साथ अभी यहाँ ऑनलाइन ही आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी साथ में ही। तो मुस्कान, जो भी क्वेश्चन रेज करना चाहे आप प्लीज उनको परमिट कीजिए, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो लेट मी शेयर एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी ऑडियंस साइड प्लीज सर। या जितेंद्र जी, दिस इज अभिजीत, आई वांट टू हैव वन यू नो क्वेश्चन। माय ऑडिबल अभिजीत जी? हां राजेश जी, आप अभिजीत जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है मुझसे? प्लीज प्लीज सर। वेरी नाइस। अभी आपने बताया जैसे कि सपोज हम वी आर इनटू रियल एस्टेट और हमारे पास काफी लैंड है, ठीक है? लैंड के केस में जैसे आपने बताया कि भाई उसका तो जैसे हमारे लिए वो स्टॉक हो जाएगी, ठीक है? तो स्टॉक अपन वैसे तो एट कॉस्ट लेते हैं, मगर नेटवर्थ में क्या कुछ संभावना है कि उसकी मार्केट वैल्यू लेकर कुछ नेटवर्थ बिठाया जाए? बिकॉज जनरली तो क्या शेयर कैपिटल एंड रिजर्व का टोटल मेरा नेटवर्थ हो गया तो वो काफी यू नो दिक्कत पड़ती है वो वाले बैठाने में। देखिए अभिजीत जी, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। इसी पे 5 तारीख को हम एक अच्छा रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो RFP डॉक्यूमेंट है
वो दो चीजों के बारे में क्लियर कट बोलता है। अभी एक क्वेश्चन किसी ब्रदर ने और रेज किया कि पार्टनरशिप फॉर्म में नेटवर्क की कैलकुलेशन कैसी होगी। पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आप रियल एस्टेट में डील करते हैं, और रियल एस्टेट में आपके पास काफी सारी स्टेट्स हैं जो आपका स्टॉक इन हैंड है, उसके केस में नेटवर्क की कैलकुलेशन कैसे होगी, राइट? दिस इज योर क्वेश्चन, राइट? तो उस केस में हमें वहीं जाना पड़ेगा जो इनका आरएफपी डॉक्यूमेंट कहता है, उसके अंतर्गत सीधा सीधा मेथोडोलॉजी दिया हुआ है कि आप अपनी एसेट्स के अंतर्गत सबसे पहले आप अपनी शेयर कैपिटल देखेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल के साथ आप रिजर्व जोड़ेंगे, माइनस रिवोल्यूशन रिजर्व करेंगे। आपके बैलेंस शीट में उम्मीद है कोई रिवोल्यूशन रिजर्व नहीं होगा, क्योंकि जिस कॉस्ट पे आपने वो लैंड के टुकड़े परचेज किए होंगे वो आपके स्टॉक के अंदर का जुड़ेंगे, फाइन, माइनस आपकी लाइबिलिटीज होंगी। तो यहाँ पर दो मेथड होते हैं कैलकुलेशन के। ये जो मेथड है ये है कैपिटल मेथड होता है। इससे जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है इसमें आपका जो स्टॉक का पोर्शन है वो कंसिडर नहीं होगा, बिकॉज स्टॉक का है एसेट बेस्ड कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ निकालना। इन्होंने कैपिटल बेस्ड मेथड दिया है निकालने का। इसमें हम आपकी पहले बैलेंस शीट देखेंगे 31 मार्च 2023 की, उसके अंदर सबसे पहले हम आपकी पेड अप शेयर कैपिटल को लेंगे। पेड अप शेयर कैपिटल में जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, पिछले सालों का एक्युमुलेटेड होगा वो कंसिडर होगा, इस साल का कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होगा वो आपका जुड़ेगा, कोई आपका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हेड है अगर जो असेट साइड के अंतर्गत बैलेंस शीट के अंदर लास्ट में आता है उसमें कोई आपके लॉसेज ऐसे पड़े हैं जो कि आपने हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया वो लेस होंगे, और जो आपने कोई रिजर्व बना रखा है जो कि आपने अवेलेबल नहीं है मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के डिविडेंड के लिए अगर आपके बैलेंस शीट में, वो लेस होगा। मतलब ये एक बड़ी स्पेसिफिक की कैलकुलेशन है। इसके मेथोडोलॉजी में अगर आपका स्टॉक पड़ा हुआ है मतलब आपके एसेट साइड के अंदर रियल एस्टेट का वो शामिल नहीं है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अगर किसी ऑडियंस का और है तो अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कीजिए। हेलो सर, आपने WBI का वर्किंग बताया, जैसे फिफ्थ ईयर का एग्जांपल दिया है आपने, तो उसमें सर बेस ईयर जो आपने पकड़ा है वो अपना एकदम स्टार्टिंग का पकड़ा है सर। अब सर 2025 में सर बेस ईयर तो 24 आएगा ना सर, ये अगर हमने 23 में बना दिया तो 23 आएगा। आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट करेंगे सर। जैसे WBI का हमको वर्किंग करना है, फाइन 2030 का वर्किंग कर रहे हैं हम WBI का, हाँ जी, और हमने हमारा साइलो हैंडओवर डिपार्टमेंट को कर दिया है 2024 में फॉर एग्जांपल। हाँ, इसके बारे में आपको बताया सर, इन्होंने जब टेंडर डॉक्यूमेंट है उसमें ये लिखा है कि जो आप रेट कोट करेंगे जी, जो आप फिक्स स्टोरेज रेट कोट करेंगे वो जब 2 साल बाद आपका डॉक्यूमेंट पूरा साइलो कंप्लीट हो जाएगा तो जो पहला आपको किराया मिलेगा उस रेट पे मिलेगा। देखिए बड़ा क्लियर कट है, इन लोगों ने आपसे जो रेट मांगा है, आज आपको टेंडर निकल जाता है तो आज आपको मार्केट नहीं देखनी, आप ये देखिए कि चलिए कि 2 साल बाद, मतलब 2 साल बाद तक की पोजीशन देखिए, आज के अकॉर्डिंगली अगर आप प्राइस कर कैलकुलेशंस करेंगे वो भी उचित नहीं होगा, क्योंकि आज जो आप रेट कोट करेंगे 2 साल बाद जब आपका साइलो कम्प्लीट होगा, जब आप इन्हें हैंडओवर करेंगे वो फर्स्ट ईयर का रेट काउंट होगा। वो तो समझ गया था मैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई 2030 का WBI का वर्किंग हम जब करेंगे वो फर्स्ट ईयर, तो जो बेस ईयर लेना है वो अपने को समझ लो 2029 लेना पड़ेगा कि जब हैंडओवर किया वो लेना पड़ेगा। जब आपने हैंडओवर किया सर। अच्छा, तो 30 साल पूरा कंटिन्यू वही चलेगा, बेस हमारा उसी साल का रहेगा सर। ये इन्होंने कैलकुलेशन का पूरा मेथड दिया हुआ है, क्या बेस के बाद अगर मान लीजिए कभी कोई इंटरनल गाइडलाइंस आई, जैसे आपको अगर ध्यान हो WPI की गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं, पहले 2001 बेस हुआ करता था, फिर 2000 बेस, सारे प्राइस इंडेक्स उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। इन्होंने एक वेबसाइट दी हुई है जहां से होलसेल प्राइस इंडेक्स उठाते हैं, उनमें से अगर चेंजेज आएंगे, मान लीजिए उस वेबसाइट में कोई चेंजेज आ गए, उसकी कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी के ऊपर दे विल फॉलो सेम सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। नहीं, क्योंकि सर जनरली FCI अपने गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं तो उसमें WPI वर्किंग में जैसे जिस साल का आप WPI कैलकुलेट करते हैं ना, तो बेस ईयर उसके पिछले साल का रहता है। इन्होंने जो मेथोडोलॉजी दी हुई है कैलकुलेशन के लिए, इन्होंने दोनों चेंज कर दिए। अगर आप फॉर्मूले को देखेंगे, विकास एक बार इलैबोरेट करना सर, कुछ बता सर। इसमें जो आप बेस ईयर लेंगे वो आपका जब आपने हैंडओवर किया वो ही लेंगे बेस ईयर कैलकुलेशन फॉर 50 30 इयर्स के लिए।
कि मान लो कि आपने अपना कैलकुलेट करना है अगले 10 ईयर का भी कैलकुलेट करना है, तो 10th ईयर में भी आपको जो सा बेस ईयर लोगे जब आपने टेंडर हैंडओवर किया 2024 में, वो बेस ईयर माना जाएगा आपका। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर, हाँ मैं ये कह रहा था सर, आप ये जो 25,000 वाला जो एमटी वाला गोदाम है, इसकी इन्होंने कितनी वो रख रखी है सर? वो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहा किया इसलिए मैं पता नहीं चले। 25,000 एमटी का हब मॉडल क्या स्पोक मॉडल, किसकी बात कर रहे हैं? स्कोप मॉडल। तो आप हमारा एक लैंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको स्लाइड 4 acres का, यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है उसकी, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ये आपको पूरी टीम शेयर कर दी जाएगी। वो इस बात पे डिपेंड करता है लोकेशन क्या है और प्रोजेक्ट कौन से के लिए जा रहे हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट के अंतर्गत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट अलग है। तो जितेंद्र जी आप पूरी शीट शेयर कर दीजिएगा जहाँ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हर लोकेशन की दी हुई है, वो आपको सबको शेयर ग्रुप में PDF भेज देना प्लीज। हाँ बिल्कुल भेज देंगे, सर। मेरा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मतलब ये जो टेंडर निकले हैं या निकलेंगे तो वो स्पेसिफिकली जो एरिया असाइन किया जाएगा वहीं पे अप्लाई करना है, या फिर जो लैंड का जो रिक्वायरमेंट है वो हम हमारे अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करके फिर सबमिट कर सकते हैं कि वी आर हैविंग दिस स्पेस एट दिस लोकेशन तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। एक बार रिपीट करेंगे आपका क्वेश्चन, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ जी प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो टेंडर, मतलब जो ये टेंडर निकलेगा या निकला है तो उसमें जो लैंड गवर्नमेंट हमें बताएगी कि आपको यहाँ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, या फिर हम खुद बताते हैं कि हमारे पास यहाँ पर लैंड है और इतना है और हम यहाँ करना चाहते हैं कंस्ट्रक्ट? देखिए मतलब ये प्रोसीजर कैसे होता है? हाँ आप समझिए, आप अगर टेंडर डॉक्यूमेंट को देखेंगे उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। जितेंद्र एक बार आप सब जगह शेयर कर दीजिए अभी ग्रुप पे, जहाँ पर लोकेशन, अगर हमारे पास अभी PDF फाइल पड़ी है कहाँ कहाँ लोकेशंस है, क्योंकि जो ऑलरेडी जो लोकेशंस हैं उनका क्राइटेरिया आप मेंशन किया हुआ है कि कहाँ कहाँ लैंड आप परचेज करेंगे। उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है रेफरेंस के लिए कि अगर जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि छिछरौली है, छिछरौली में यमुनानगर है, वहां पर अपेंडिक्स 10 है जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि 5 किलोमीटर के दौरान फ्रॉम एग्जिस्टिंग लोकल मंडी लोकेशंस। इन्होंने क्लियर कट किया है, रेफरेंस एरिया बोलते हैं कि लैंड आपको परचेज करनी है, गवर्नमेंट परचेज नहीं करेगी लैंड। उन्होंने आपसे जब टेंडर डॉक्यूमेंट भराया तो उन्होंने कहा आपको कि आप अपनी असेसमेंट पहले कर लीजिए कि आपका टेंडर डॉक्यूमेंट भरने से पहले कि आपको लैंड कहाँ कहाँ मिल सकती है और किस रेट पे मिल सकती है और आपको बनाने की कॉस्ट क्या आएगी। आप टेंडर डॉक्यूमेंट में L1 आ गए, हम आपको 240 दिन का टाइम दे देंगे। लोकेशंस हमने डिस्ट्रिक्ट लोकेशंस बता दी गई हैं, उन लोकेशंस में रेफरेंस आपने बता दी गई हैं कि लैंड आपको 5 किलोमीटर दायरे में परचेज करनी है लोकल मंडी के दौरान। अब आपको ढूंढनी है लैंड, आप वो परचेज भी कर सकते हैं और लीज पे भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी लैंड की वो अवेलेबल नहीं कराने वाले। ये पूरा प्रोजेक्ट इसी चीज पे है कि लैंड आपको परचेज करनी है, चाहे आप लीज पे लें 35 years के लिए या परचेज करें। हाँ उन पैरामीटर में होनी चाहिए वो लैंड, जैसी FCA को चाहिए वो स्टैंडर्ड अकाउंट में दिया हुआ है। ओके सर, और सर अगर लैंड एग्रीकल्चरल प्लेस पर है तो दैट इज वैलिड या उनको कमर्शियल ही चाहिए होता है? नहीं नहीं, एग्रीकल्चर लैंड ही चाहिए। देखिए आप रेलवे साइड है वहां पर एग्रीकल्चर लैंड आप लेंगे तो उसको सारा हेडक आपका है, कल उस लैंड का CLU लेना है और उस लैंड को कन्वर्ट कराना है कमर्शियल स्पेस में, वो A to Z जितने गवर्नमेंट लाइसेंस है वो आपको ही लेने पड़ेंगे। दैट इज योर लैंड, आपको देखना है। उनको तो वो सारे लाइसेंस प्रोसीजर पूरे करके गोडाउन बना के फाइनली आपको देना है और उसका 2 साल बाद और उनका प्राइस आपको करना। ओके सर, और सर इसका डॉक्यूमेंट मिल सकता है हमें जहां से हम ये सारी चीजें रीड करेंगे? हाँ बिल्कुल, आपको हमारी बिजनेस डेवलपमेंट टीम में जितेंद्र जी प्रोवाइड करा देंगे अगर कोई आपको इस टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए। जितेंद्र प्लीज नोट कर लो ये रिक्वेस्ट। हाँ हाँ शिवानी मैडम, आपको हम शेयर कर देंगे, अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आफ्टर वेबिनार आप कनेक्ट कर लीजिएगा टीम से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन है, कहाँ से बात कर रहे हैं सर, थोड़ा बताएंगे? सर मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, ये महाराष्ट्र में अभिषेक मिश्रा बोल रहा हूँ सर, आके वेयरहाउसिंग एंड लीजिंग से। ओके अभिषेक मिश्रा जी महाराष्ट्र से, बताएं सर। जी सर, यहाँ पे वो जो इनिशियल डॉक्यूमेंट है उसमें जैसे एक स्पोक का लोकेशन हमारा अकोला दिया है और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट भी अकोला दिया हुआ है,
तो ये पूरे अकोला डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी चलता है या अकोला की लिमिट्स में होना चाहिए? फिर इसमें रेफरेंस एरिया होगा, वो आपके प्रोजेक्ट स्पेसिफिक में चेक करके टेक्निकल टीम बता देगी डॉक्यूमेंट देख के। जितेंद्र एक बार नोट कर लो इनकी लोकेशन, विकास एक बार आप भी नोट कर लो। टेंडर डॉक्यूमेंट में 18 प्रोजेक्ट है सर, तो जो आप पर्टिकुलर रिक्वेस्ट कह रहे हैं एरिया ओखला का, वो आपको टीम चेक करके शेयर कर देगी। उसमें अगर कोई रेफरेंस दिया हुआ है कि आपको विद इन 5 किलोमीटर मंडी के लेना है, जो भी है। जी सर, ये महाराष्ट्र 1 प्रोजेक्ट 7 है सर। तो सर आपका जो मिश्रा जी जो क्वेश्चन है कि लैंड आपके कहाँ होने चाहिए, वो टेंडर रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें पूरा रेफरेंस दिया हुआ है। तो आपका जो भी महाराष्ट्र का अगर आपका टेंडर है तो लास्ट में अपेंडिक्स मिलेगी आपको अकॉर्डिंगली। अच्छा। पूरे अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट उन्होंने रेफरेंस में दिया हुआ तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी आपकी हो सकती है। अच्छा। जी, थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर बोलिए। गिरिराज काबरा इंदौर, गिरिराज सिंह, गिरिराज जी इंदौर से। हाँ जी सर, ये बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपकी जो मंडी है आप बता रहे हैं 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, बहुत सी और मंडियां काफी दूर होती है, सिटी के अंदर होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? सर देखिए, वो सबसे पहले हमें उस प्रोजेक्ट लोकेशन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रेफरेंस एरिया हर चीज जगह के अलग अलग दिए गए हैं। अगर आप मान लीजिए अपनी लोकेशन आप बताएंगे टेंडर डॉक्यूमेंट में, जैसे हमने यमुनानगर का एग्जांपल दिया था, वहाँ का रेफरेंस एरिया अलग दिया है कि जो लैंड आप परचेज करेंगे वो कितने दायरे के अंतर्गत होगी। फाइन, तो आपका जो रेफरेंस एरिया है कि जो लोकेशन है आप, वो हमारी टीम को नोट करा दीजिए, हमारी टीम उसके अंतर्गत टेंडर डॉक्यूमेंट में चेक करके आपको अपडेट कर देगी कि क्या जो RFP डॉक्यूमेंट है उसमें कोई रेफरेंस एरिया दिया गया है। अगर स्टिल अगर आपका वहां रेफरेंस एरिया मेंशन नहीं है और कोई ऐसी चीजें हैं, क्योंकि FCI के टेंडर में काफी बार ऐसा होता है कुछ चीजें मिसिंग रह जाती हैं, तो हम इनको एक रिटर्न में ईमेल डाल के आपके बिहाव पर एक क्लैरिफिकेशन ले लेंगे कि ऐसे केस में क्या हो। पर इट इज एडवाइजेबल, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट का टेंडर है और आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा कैपिटल इन्वॉल्व होगा, और चूंकि कोई गलत डिसीजन ना हो जाए इस चीज को कंसिडर करते हुए आपको सारी चीजें मतलब टेंडर के अंतर्गत पहले वर्कआउट करनी है। तो हमारी टीम की भी पूरी कोशिश है कि आपके छोटे से छोटे क्वेश्चन का ख्याल रखा जाए और FCI संदर्भ के अंदर रिटर्न क्लैरिफिकेशन ले लीजिए। तो अगर आप अपना चेक करा लीजिए टीम से, अगर रेफरेंस एरिया मेंशन नहीं है तो हम आपके विभाग पे क्यूरी डाल देंगे FCI में, तो उनसे रिटर्न रिप्लाई आ जाएगा, तो वो आपको बता देंगे। ओके ओके सर, थैंक यू गिरीश जी। हाँ जी सर, एनी अदर ऑडियंस प्लीज। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो अपनी ये टीम है, जैसे आपकी टीम से हम मदद लें कुछ हरियाणा में स्पेशली, तो क्या चार्जेस होते हैं? जैसे थोड़ा सा सर, ये कस्टमाइज होते हैं सर, आपको प्रोजेक्ट लोकेशन जब आप फाइनल करेंगे सत्यपाल जी, तो आपको आफ्टर वेबिनार हम जो है 1-to-1 डिस्कशन कर लेंगे, जो स्कोप ऑफ वर्क बनेगा उस पर फिर हम डिटेल में डिस्कशन आपके साथ करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज। सर मुझे एक क्वेश्चन था, मैं रितु मिश्रा बोल रही हूँ। सर मुझे ये उत्तराखंड के बारे में पूछना था, इसका जो लोकेशन है उसमें लोकेशन दिया हुआ है भद्राबाद और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है हरिद्वार, एंड सिमिलर फॉर ऋषिकेश, उन्होंने लोकेशन ऋषिकेश दिया है एंड रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट देहरादून दिया है, तो वी हैव टू फॉलो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट या लोकेशन, मतलब वॉट एग्जैक्टली लोकेशन रहेगा? ये जो सा आपका यहाँ से मंडी लोकेशन होगी वहां से आपका एरिया डिफाइन होगा कि विद इन कितने किलोमीटर है, और जो सा स्पेसिफिक आप हैदराबाद अपना उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हम टेंडर चेक करके आपको फिर बता देंगे कि एग्जैक्ट क्या लोकेशन पड़ेगी आपकी। ओके ओके ठीक है। नमस्ते, मैं मुकेश अग्रवाल। हाँ जी, हाँ जी मुकेश जी बोलिए। सर मेरा एक सवाल ये था कि ROI और IRR इसमें लगभग कितना आएगा ओवर द पीरियड ऑफ 33 इयर्स, अगर जो भी हम रेट कोट करते हैं? कस्टमाइज रहता है सर, ये आपका एक एवरेज बनेगा वो। इसमें सर जो आपका प्रोजेक्ट बनेगा उसमें आप उसमें आपका कस्टमाइज रहता है, वो डिपेंड करता है आपका कितने नंबर ऑफ ईयर आपका लोन चलेगा या जो रेट आप कोट करेंगे उसमें क्या आपके एक्सपेंसेस रहेंगे। उसके अलावा ये डिपेंड रहेगा कि आप कौन सी आपकी लैंड है वो आप परचेज करेंगे या फिर आप उसको लीज पे लेंगे। दैट आई अंडरस्टैंड, एक रफ एस्टीमेट में कि एक बिजनेसमैन सोच सकता है ना कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा।
हेलो, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? जी सर, इस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। देखिए, ये बड़ी कस्टमाइज सी चीजें हैं, आप थोड़ा ध्यान से इसका उत्तर समझिएगा। और मुझे लगता है कि ये कॉस्ट और बेनिफिट एक ऐसी चीज है जो कि प्रत्येक इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर कोई भी हम धंधा करें उसमें फायदा हो तो भी करने का फायदा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। तो समझिए कैसे ये कैलकुलेशन अलग अलग है। मैं आपको एक हरियाणा का एग्जाम्पल देता हूँ, आप हरियाणा की एक लोकेशन का एग्जाम्पल हम लेंगे, उसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और उससे जस्ट एक मतलब समझिएगा कि वैसे की वैसी कैलकुलेशन सब में हो सकती है और इट कैन ब्रिंग इन अ बिग डिफरेंस। फाइन जी, देखिए हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा को चार भागों के अंदर बांटा है, ए बी सी डी, चार जोन है, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं। और हरियाणा में एक पॉलिसी है, हरियाणा लॉजिस्टिकल एंड वेयरहाउसिंग पॉलिसी, जो ये कहती है कि अगर सी एन डी ब्लॉक के अंतर्गत आप एक गोडाउन बनाते हैं तो जो गोडाउन की कॉस्ट आती है आपकी, उस टोटल गोडाउन की कॉस्ट का 25% आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगा। फाइन, तो जो अगर मान लीजिए आपकी हरियाणा में का टेंडर आपने फिलअप किया और हरियाणा में आपने किसी ऐसी लोकेशन पे गोडाउन बनाना है जो कि हरियाणा की सी या डी जोन में आता है, आपका जिस लोकेशन पे गोडाउन बनेगा वो सी एन डी में आता है नहीं आता, ये सारा हमारी टीम आपको बता देगी। आप एज्यूम करके चलिए कि आपका सी डी में गोडाउन आता है, एक साइलो आपका सी ब्लॉक में आता है और एक साइलो की हम मान के चलते हैं कॉस्ट आती है 50 करोड़ रुपए। फाइन, कि हमने चार साइलो है, पांच साइलो है, मतलब टोटल प्रोजेक्ट 200 करोड़ का है, हम 40 करोड़ 50 करोड़ के बीच में एक साइलो की कॉस्ट को अनुमान लेते हैं। फाइन, तो हम 50 करोड़ अगर एक अनुमान लेते हैं, एक साइट की कॉस्ट आती है, इसका 25% बनता है 12.5 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए। अगर उस प्रोजेक्ट पे आपकी आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव मिल रहा है एक प्रोजेक्ट के लिए 5 करोड़ का, अब आपको इसके चांसेस है और इसकी कैलकुलेशन की जाती है। और एक भाई ने जो गोडाउन बनाया उसका जो साइट है वो बी जोन में आती है, सी जोन में नहीं आती, तो उसको हरियाणा गवर्नमेंट का वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो आपकी टोटल कॉस्ट और उसकी टोटल कॉस्ट में एक फर्क आ गया। ऐसे सिमिलरली जैसे हरियाणा गवर्नमेंट की लॉजिस्टिकल वेयरहाउसिंग में इंसेंटिव है, ऐसे पंजाब गवर्नमेंट भी दे रही है, यूपी गवर्नमेंट दे रही है, हर गवर्नमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दे रही है। कोई आपको इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहा है जो आप बैंक से लोन लेंगे एक वेयरहाउस बनाने के लिए, कोई स्टेट आपको कैपिटल सब्सिडी दे रही है। तो अगर आप अपनी कॉस्ट और बेनिफिट को कम करना चाहते हैं, एक रैशनल डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हमें आपके लिए एक स्पेसिफिक वर्कआउट करना पड़ता है कि आपके वहां उस एरिए पे अगर आपको ये टेंडर लेना है, गोडाउन बनाना है, गोडाउन लाइन में जाना है, रेट कोट करना है, क्या उससे रिलेटेड कोई गवर्नमेंट इंसेंटिव उन पर्टिकुलर एरिया में मिल सकता है। तो इस प्रश्न का जब उत्तर आता है तो वो आपकी क्वेश्चन को इफेक्ट करता है कंपैरेटिवली, हो सकता है किसी दूसरे की क्वेश्चन को इफेक्ट ना करे क्योंकि वो टेंडर लगा रहा हो उस लोकेशन में। इस बात का उत्तर जानने के लिए हमने स्टार्टिंग में जो टेंडर डॉक्यूमेंट देखे थे पिछली बार, देखिए बड़े कॉर्पोरेट से टेंडर सबमिट किए, रेट में 1199 से लेकर 1800 का फर्क है। और ये बात वाकई सही है कि 600-700 रुपए पर एमटी जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट ने डिफरेंस डाले, क्योंकि सबकी परचेज रिक्विजिशन अलग अलग है। अगर आप ऑलरेडी परचेज करते हैं लैंड, अगर आपके पास अपनी खुद की होम है, आप रियल एस्टेट में डील करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, 10-20% का आप वहाँ डिफरेंस लगा सकते हैं। तो ये जो कस्टमाइजेशन में आपका डिफरेंस डालेगा तो जितने गवर्नमेंट इंसेंटिव है आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये एक कॉस्टिंग में फर्क डाल सकता है और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। इसलिए मतलब आपका जो कैलकुलेशन रहेगा एक जनरल में, आपने क्वेश्चन पूछा कि एक जनरल क्वेश्चन का उत्तर दें हम, तो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर 32 सालों का टाइप है फॉर द सेक ऑफ क्यूरी, मतलब बीईपी हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, कि ये 15-20 साल के बीच में कहीं ना कहीं स्प्रेड रहेगा। आप इसको जो आपका बेसिक क्वेश्चन था उसमें एक जनरल पार्लर से समझ सकते हैं, परंतु ये इसका उत्तर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इनिशियल प्राइस क्या फिलअप करते हैं, आप किस एरिए में बनाते हैं, आपके पास खुद की लैंड है, आप लैंड को पट्टे पे लेते हैं तो आप अपनी कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं। तो ये बड़े कस्टमाइज से होते हैं जो कि हम फाइनेंशियल प्रोडक्शन कस्टमाइज में ही आंसर बेटर कर पाए। ठीक है सर, आपका उत्तर, थैंक यू सर, थैंक यू, आपका उत्तर, आपके प्रश्न का उत्तर, थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा एक सवाल था। हाँ जी अभिषेक जी। सर जैसा ये हरियाणा में सब्सिडी स्कीम है, ऐसी महाराष्ट्र में कुछ है क्या स्कीम जो इसमें हम ये बड़ा कस्टमाइज सा उत्तर है, इसके लिए आप एक बार जितेंद्र जी से 1-to-1 दे दीजिएगा। हमारी कंपनी का एक पूरा पैन इंडिया का डॉक्यूमेंट है, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट। हम वेयरहाउसिंग के अलावा हर एक सेक्टर में, आप चाहे एक पाइप की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, चाहे बैटरी की फैक्ट्री,
अगर आप कहीं लैंड लेने से लेकर जो भी उसकी एफसीआई बोलते हैं इस चीज को हम फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर अगर उस पर्टिकुलर स्टेट की उस गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या इंसेंटिव है, ये हमारा पूरा स्पेशल प्रोडक्ट है सिर्फ वेयरहाउसिंग के लिए नहीं किसी भी इंडस्ट्री के लिए, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट, तो उस पर आपको एक सेपरेट मीटिंग करनी पड़ेगी हमारे बिजनेस डेवलपमेंट टीम से, तो उसके लिए हम आपको वायबिलिटी रिपोर्ट का जो प्रोडक्ट है उसकी फीचर से सेपरेट बता देंगे। जितेंद्र प्लीज इनकी क्वेरी को नोट कर लीजिए। Any other participant want to ask? Time का थोड़ा constant हमारे पास। बस एक सर लास्ट सवाल मेरा कि ये 33 years के लिए tender है। हाँ जी सर। 33 years के लिए tender है ये। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद क्या होगा 33 अपन को FCI को वापस करना पड़ेगा सब कुछ? सर देखिए नहीं, जो चीज starting से आपकी है वो वापस करने की बात नहीं होगी। देखिए FCI क्या कह रहा है, मैं आपसे रेंट पे ले रहा हूँ इतने पीरियड के लिए गारंटेड रेंट पे चीज। हाँ। लैंड आपने परचेज की है, आपने पट्टे पे ली है, आपने लीज पे ली है, पैसा आपने लगाया है, बैंक से लोन आपने लिया है, और मतलब इस पूरे पर्टिकुलर सीन में एवरी इन्वेस्टमेंट लोन आपको चुकाना है, लैंड आपने खरीदनी है तो पैसे आपने भरने हैं, पट्टे पे लेनी है तो किराया आपने देना है। FCI तो ये कह रहा है कि मैं आपसे 35 years तक ये सारा स्ट्रक्चर है 32 years तक रेंट पे लूंगा, उसके बाद अगर 90% सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि अगर मान लो उसकी शेल लाइफ है वेयरहाउस की, मतलब वहां पर वो यूजिबिलिटी है या उसकी रिपेयर मेंटेनेंस के बाद यूजिबिलिटी बन सकती है, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में वो एक एक दो दो साल के लिए एक्सटेंड करते रहते हैं। अगर हम पिछले मतलब 20 सालों का इतिहास देखें, 2001 में FCI ने काफी गोडाउन 10 साल के लिए लिए थे, उसके बाद आज सिनेरियो क्या है, अगर वो गोडाउन मेंटेनेबल है और FCI को वहाँ रिक्वायरमेंट है, दे आर नॉट बाउंड कि वो गारंटेड हो, वो एक एक साल के लिए दो दो साल के लिए एक्सटेंड करते रह सकते हैं। बिकॉज इतने बड़े कैंपस का सेकंड कोई मतलब बहुत बड़ी प्राइवेट पार्टी मिलती बहुत मुश्किल है, तो FCI लेगा या आप किसी और एजेंसी को भी दे सकते हैं, परंतु वो जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो खत्म हो गया सर। फाइन राइट सर, थैंक यू सर। हाँ सर एक बात और थी मैंने पूछना था, मैं वैसे भवानी खेड़ा ब्लॉक से हूँ जो डीप जोन में आता है अपना हरियाणा के, और वहां पे रेलवे लाइन के बिल्कुल पास में ही मेरी जमीन है 14 acres, तो मैं जैसे बिना उसके टेंडर के मैं अपना खुद बनाऊं कोई स्मॉल साइलो 10,000 MT का आया, तो इसमें भी कोई सब्सिडी या कुछ आप मदद कर सकते हो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट जो डीप ब्लॉक में है वहाँ सब्सिडी मिल जाएगी, उसके लिए आप एक बार सेपरेट बात कर लीजिएगा जितेंद्र जी से, जैसे वेबिनार खत्म होता तो उसके बारे में आपको सब्सिडी मिल सकती है, उसकी बाकी डिटेल कैलकुलेशन है आपको बिजनेस डेवलपमेंट टीम है कॉल भी कर लेगी आपसे, 1-to-1 मीटिंग करके आपको डिटेल में समझा देगी। ठीक है सर, थैंक यू। अभी थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट है। मुस्कान किसी का कोई राइटअप में अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज शेयर कीजिए ताकि हम वेबिनार को एंड करें। हाँ कोई एक क्वेश्चन आप शेयर कीजिए अगर किसी का है। Will this project be eligible for capital subsidy under NABARD? देखिए सर NABARD के ऊपर का क्वेश्चन, हेलो ये क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है उनकी नॉलेज के लिए बता दें कि एक NABARD की स्कीम थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AMI करके, ये स्कीम 31 मार्च 2023 तक की थी स्कीम थी, अभी इसमें ऑफिशियल एक्सटेंशन नहीं आया एक चीज। दूसरी स्कीम ये जो स्कीम थी सिर्फ 5,000 MT के लिए थी, आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट की वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिकल पे कोई स्कीम नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट की NABARD की, जिसमें ये वो कहे कि आप बोलो बनाओ हम आपको कैपिटल सब्सिडी देंगे। आज जो भी स्कीम्स है लॉजिस्टिकल वेयरहाउसिंग में स्टेट वाइज है, अलग अलग स्टेटों की अलग अलग है, यूपी की स्कीम अलग है, उसके कंडीशन अलग है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, जोन अलग है, हरियाणा की अलग है, कोई इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहा है, कोई कैपिटल सब्सिडी दे रहा है, कोई उसको MSME में कवर कर रहा है, वो सब केस टू केस अलग अलग चीजें हैं। तो हम उस सबके विषय में आप हमारे बिजनेस डेवलपमेंट टीम से बात कर सकते हैं और अपनी SBR के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, उसमें हम आपसे एक डिटेल बात करेंगे और आपको उसके विषय में जो बेनिफिट्स हैं एक पूरा डॉक्यूमेंट बना के देंगे। चलिए सर, थैंक यू। मुस्कान एनी कोई अदर क्वेश्चन है? क्वेश्चन और आया है अभी, एज पर योर पास्ट एक्सपीरियंस प्लीज एक्सप्लेन फाइनेंशियल विजिबिलिटी ROI NPI एंड एनी इनकम टैक्स एग्जम्पशन अवेलेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। गुड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आंसर करते हैं। देखिए इनकम टैक्स के अंतर्गत
दो तीन चीजें हैं, में से सिर्फ एक सेक्शन का हम जिक्र करेंगे यहाँ पर जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम पूरा प्लानिंग करेंगे तो इसमें इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा अहम सवाल आ जाता है। उसमें सेक्शन 35AD है, जो कि वो कहता है कि अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई इंकर करते हैं तो उस पर आपको 100% छूट मिलेगी अगर कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे एग्री वेयरहाउस बनाते हैं। देखिए यहाँ जो स्टोरेज है, आप एग्री वेयरहाउस बना रहे हैं, आप बनाएंगे और उसको FCI को रेंट पे देंगे, तो अगर इस FCI को रेंट पे देते हुए आपका 150 करोड़ रुपये खर्चा आता है, 125 करोड़ रुपये खर्चा आता है, तो एज पर सेक्शन 35AD ऑफ इनकम टैक्स आपको पहले साल में 100% डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा। दैट्स द बिगेस्ट एंड बिगेस्ट बेनिफिट। इसी विषय के ऊपर हम बात कर रहे थे जब हम बात कर रहे थे कि कॉस्ट और बेनिफिट क्या आते हैं और कस्टमाइज चीजें हैं, तो इस विषय के अंतर्गत काफी सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपकी जो कंपनी है उसका ऑब्जेक्ट क्लोज क्या है, पार्टनरशिप फर्म बनाई है तो उसका ऑब्जेक्ट क्लोज एग्री है, नॉन एग्री है, काफी सारे पैरामीटर डिपेंड करते हैं। अभी हम जो उत्तर दे रहे हैं, हाँ इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल सकता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का सेक्शन 35AD में, पर आपके पर्टिकुलर केस में कितना मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा उसकी जो सारी कैलकुलेशन है आपकी एक कस्टमाइज फिजिबिलिटी रिपोर्ट में शामिल हो। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। मुस्कान, नेक्स्ट क्वेश्चन। नो सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। ओके ओके ओके, तो सभी पार्टिसिपेट्स को, सभी ऑडियंस, सभी व्यूवर्स को एक बार पुनः एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे पेशेंसली पूरे वेबिनार में एक इंटरेक्टिव सेशंस रखा, पार्टिसिपेट किया। फिर भी अगर आपकी कोई इस टेंडर से रिलेटेड या आपका कोई अलाइड और बिजनेस है उससे रिलेटेड अगर कोई भी सब्सिडी सब्जेक्ट की कोई क्यूरीज है या टेंडर फाइलिंग से रिलेटेड कोई क्यूरीज है, तो आफ्टर वेबिनार आप हमारे से कनेक्ट करके अपना 1-to-1 डिस्कशन कर सकते हैं। Once again, thanks to all participants. Thank you. Thank you very much. आप सबका बड़ा-बड़ा धन्यवाद। Yeah. And thank you to the KIP team for explaining nicely. Thank you, Abhijit. Thank you, Abhijit. Thank you. We really appreciate. Great. Thanks, sir. Development.